तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जो असली हैं दोषी हैं? क्योंकि मैंने एक पेपर में आज जो फोटो देखी थी, तो गायों की हालत देख करके, मेरे पास पेपर है कहिए तो मैं मंगा लूँ, मेरे सूटकेस में रखा है अमरोहा से, जो मैंने देखी है उनकी हालत, गाय उठ नहीं पा रही, डीएम साहब खड़े हैं गाय को खुआ रहे हैं, क्यों उनकी हालत ऐसी हुई? बड़ों की गर्दन बचाने में लगे हैं, गायों की मौत पर कांग्रेसी नेता का बड़ा बयान। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अमरोहा गौशाला में हुई गायों की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़ों को बचाने के लिए छोटे लोगों का नाम आगे किया गया है। दरअसल अमरोहा की गौशाला में कल शाम हुई 5 दर्जन से भी अधिक गायों की मौतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने आज पशुधन मंत्री को भी अमरोहा भेजा है। कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चाहे कार्यवाही ताहिर अनस या किसी और के खिलाफ की जा रही हो, ये निश्चित है कि बड़ों की गर्दन बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है कि गौशाला के नाम पर चारा कौन लोग खा रहे हैं, जिससे कि इतनी गायों की मौत एक साथ हो गई। उन्होंने देखा है कि मरी हुई गायों के साथ डीएम फोटो खिंचा रहे थे। वहीं केंद्र सरकार की तिरंगा यात्रा पर बोलते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने तिरंगा का विरोध किया था, आज उनके दिलों में बड़ा प्यार उमड़ आया है, पता नहीं क्यों। और जहां तक कांग्रेस की बात है, ना वो इस तिरंगा यात्रा का समर्थन करती है और ना ही विद्रोह, क्योंकि तिरंगा कांग्रेस की। केवल 2 मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अनस और ताहिर के खिलाफ। कांग्रेस किस तरह देखती है इस कार्रवाई को? देखिए साहब, अनस हो, ताहिर हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, राम मनोज प्रसाद हो, जो दोषी हैं, हमेशा उनको बचाने के लिए छोटों को और कमज़ोर को नापा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें भी ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिकॉर्ड पूरा कर लेना भाई, पूरा उसको A to Z रिकॉर्ड करो, मेरे पास रहना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, जो असली हैं दोषी हैं? क्योंकि मैंने एक पेपर में आज जो फोटो देखी थी, तो गायों की हालत देख करके, मेरे पास पेपर है कहिए तो मैं मंगा लूँ, मेरे सूटकेस में रखा है अमरोहा से, जो मैंने देखी है उनकी हालत, गाय उठ नहीं पा रही, डीएम साहब खड़े हैं गाय को खुआ रहे हैं, क्यों उनकी हालत ऐसी हुई? इसका कौन जिम्मेदार है? ये चारा डालने वाला जिम्मेदार है कि चारा लाने वाला जिम्मेदार है? चारा डाला गया कि चारा खुद ही खा गए? कांग्रेस जो इस समय लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, टैक्स के नाम पर सारा कारोबार, सारा बिजनेस, और यहाँ तक कि उनके मुंह में 2 जून का निवाला नहीं जा रहा, वो भी छीना जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं। मतलब अरे टॉपिक चेंज ना कीजिए भाई, आदम साहब तो वैसे ही बुलंद रहते हैं, हमसे क्या बात कर रहे हैं, वो बेचारे बीमार हैं। अब वो जो टॉपिक है उस पर रहने दीजिए, वरना मालूम होगा जो हमारा वो मकसद है उससे हट करके, और फिर वो तो प्लीज़। तिरंगा यात्रा बताइए, तिरंगा यात्रा, भाजपा तिरंगा निकालने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो 1929 में और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले जब 1929 में झंडा तिरंगा जब फहराया था, तो आज जिनके जो आज बड़ी तिरंगे के लिए जिसको प्यार उमड़ आया है, उनके पूर्वजों ने उसका विरोध किया था, हमेशा विरोध किया तिरंगा का, और आज क्यों तिरंगे से इतना प्यार हो गया, मैं भी सोचने के लिए मजबूर हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस के सीने में और जो दिल धड़कता है उसमें तिरंगा धड़कता है, ये कांग्रेस का है, और कौन क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं, ना हम उनका समर्थन कर रहे, ना हम जो तिरंगा का सम्मान करता है, ना हम उनका विरोध कर रहे, हमें विरोध करने का, तिरंगा का सम्मान करने वाला, चाहे वो पहले भले ही उसने सम्मान नहीं किया, दे रहा है ठीक है,
वो करते हैं, हम ऐसे आदमी का विरोध नहीं कर रहे और ना ही समर्थन कर रहे हैं। मेरी गाड़ी में तिरंगा लगा है, जाइए दिखाइए। अरे यात्रा भी भाई चलेंगे, गाड़ी तो चलेंगे, बिना गाड़ी से क्या यात्रा कर लेंगे। जहाँ पैदल चलना है तिरंगा लेके चलेंगे, जहाँ गाड़ी से चलना है गाड़ी में लगा के चलेंगे। मैं बोल तो दिया ना कि ईडी का कोई तुखी नहीं बनता है, वो तो इलीगल है। ईडी की जांच मेन जो शिकायत करता है उसने शिकायत हाई कोर्ट में वापस ले ली तो अब बचा क्या? और आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग, जब उसमें मनी थी ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गई? केवल यह हताशा है और आवाज़ दबाने का असफल प्रयास है।